जय हिंद जय भारत साथियों, मेरा नाम है अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों आज बात करेंगे एक रिलेशन की और स्पोर्ट्समैन की भर्ती है, ये UHQ एनरोलमेंट और यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है, जो भी बाई रिलेशन के बच्चे हैं उनके लिए। और ये जो भर्ती होने वाली है ये MEG सेंटर है मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में, यहाँ पर ये भर्ती होने वाली है। बेंगलोर में ये सेंटर MEG का, तो जो भी भाई यहाँ पर जाने वाले इस भर्ती में कृपया करके हमारा इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना कि किस दिन खिलाड़ियों को जाना है, किस दिन ट्रायल होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और कौन कौन जा सकते हैं इस भर्ती में। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया करके 5-7 मिनट का वीडियो है हमारे, वीडियो को कम से कम हमने अब की बार टारगेट रखा है 2000 व्यू का, तो जो भी भाई देखें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। और अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसके बारे में। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में साथियों, तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये जो भर्ती है इसमें सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन हैं ये ऑल इंडिया ऑल कास्ट, सभी भारत के किसी भी राज्य से किसी भी जाति का कोई भी खिलाड़ी है जो गेम की ट्रायल देना चाहता है, यहाँ पर कुछ सीमित खेल हैं उनको मैं आगे बता दूंगा, और ये 25 अगस्त 2022 को ट्रायल होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। ट्रायल जो होंगी वो आपको यहाँ पर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में रिपोर्ट करनी है 25 अगस्त को। आगे गेम भी बता दूंगा किस किस की ट्रायल होगी, उसके अलावा जो रिलेशन के बच्चे हैं उनके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी की गई है साथियों इसके बारे में कि ये जो भर्ती है सभी अग्निपथ स्कीम के तहत सारी भर्तियाँ हो रही हैं, जो भी सरकार ने नई लॉन्च की है स्कीम अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर जो GD है सोल्जर GD की भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ GD ट्रेड की भर्ती है साथियों, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्समैन भी आगे और सोल्जर GD भी आगे, तो ये GD ट्रेड की भर्ती होएगी। अभी जो भी भाई यहाँ पर जाएंगे तो वो टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना कि आपको 4 साल के लिए ही सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपको अप्लीकेबल, हाँ पे सर्विस करने के लिए ये पूरी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा दी जाएंगी, सबको बता दिया गया कि आप कितने दिन सर्विस कर सकते हो, आपके लिए क्या क्या लागू है, ये सारा इस PDF में 23 पेज की PDF है साथियों, इसमें सब बता रखा है आपको, छुट्टी कितनी, यूनिफॉर्म कितनी, पे एंड अलाउंसेज क्या हैं, आप कितने दिन सर्विस करोगे, डिस्चार्ज का क्या प्रोसीजर है, ये आप पढ़ लेना इसको। इसका एक मैंने स्पेशल वीडियो भी डाल रखा है मेरे चैनल पर, वो देख लेना अग्निवीर के लिए क्या क्या मिलेगा। बाकी मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये ध्यान दे देना भाई साथियों। तो जो भी अग्निवीर हैं यहाँ पर 4 साल के बाद में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जो 25% पक्के होंगे वो बोर्ड के द्वारा पक्के होंगे, और डिस्चार्ज के बाद आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। कोई सोचो एक सर्विसमैन कोटा मिले या ECHS के लिए कैंटीन CSD और कोई बेनिफिट्स होते हैं, वो कुछ नहीं मिलेगा भाई साथियों, सिर्फ जो मिलेंगे वो बता रखा सरकार ने क्या क्या है, वो सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में है, तो आप देख सकते हैं इस PDF में, ध्यान से पढ़ लेना इसको। अभी बात कर रहे हैं जो छुट्टी हैं, जो भर्ती होंगे उनके लिए छुट्टियां सिर्फ 30 दिन के लिए हैं, ये एक साल में एनुअल लीव हैं, और सिक लीव आपके मेडिकल बेसिस पे हैं। उसके अलावा इसमें बता रखे हैं कि पहले साल आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सरकार कितना देगी, पे एंड अलाउंसेज के बारे में क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा, और भी जो अलाउंसेज वगैरह हैं ILT वगैरह के वो क्या क्या मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस का और क्या क्या होगा, ये सारा पढ़ लेना इसमें PDF में। अब बात कर रहे हैं साथियों जो भर्ती होने वाली है इसके अंदर आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होगी, तो ये भर्ती जो शुरू हो रही है ये 29 अगस्त से शुरू हो रही है, 29 अगस्त 2022 को। गेम वाले बच्चों को 25 अगस्त को जाना है, ये नोट कर लेना, ट्रायल देने के लिए जो ट्रायल में फिट हो जाएंगे उनका फिजिकल 29 अगस्त को होगा। तो 29 अगस्त से सबसे पहले वाले दिन अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जाएंगे, वो सभी जा सकते हैं इसमें ऑल इंडिया ऑल कास्ट के, सभी भारत के राज्यों के किसी भी जाति का, लेकिन उसका क्या है वार्ड्स ऑफ MEG ओनली, यानी इसका मतलब ये है जिसके पास में MEG सेंटर का मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर का रिलेशन है वही बच्चा यहाँ पर इसमें पहले वाले दिन जाए। उसके बाद सेकंड जो और दूसरा कौन देख सकता है यहाँ भर्ती, वो क्या है ऑल क्लास साउथ जोन के, जो साउथ जोन में कुछ स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, UT पांडिचेरी, अंडेमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो यहाँ के
जो भी, वो किसी भी उसके रिलेशन के हो सकते हैं, वो अदर के भी हो सकते हैं, अदर रिलेशन वाले भी। यहाँ पर इनके साउथ जोन के जा सकते हैं और पूरे भारत के एमईजी के जा सकते हैं, सिर्फ एमईजी रिलेशन के। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी भर्ती हो रही है। और जो भी भाई जो सन ऑफ विडो हैं के लड़के हैं, उसके बाद सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं, रियल ब्रदर हैं, वो यहाँ पर इस भर्ती में यानी रिलेशन के बच्चे जा सकते हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन हैं पूरे भारत से, वो यहाँ पर ट्रायल के लिए जा सकते हैं। बताया गया है कि जो हेडक्वार्टर एमईजी सेंटर बेंगलोर है, ये ट्रायल लेगा, 25 अगस्त को ये ट्रायल कंडक्ट की जाएंगी। तो सभी अपने खेल के सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पर पहुँचें। उसके बाद बताया गया है कि जो डीएससी और टीए का रिलेशन ही चलेगा यहाँ पर, बाकी का नहीं चलेगा। ये कही जाते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स बीएसएफ जो हैं गरीब, और इनके रिलेशन वगैरह मान्य नहीं होंगे यहाँ पर। जो रिलेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड द्वारा होना चाहिए, किसी के पास बाई चांस रिलेशन नहीं है लेकिन वो आर्मी का वो है तो डिस्चार्ज बुक भी ले जा सकता है। उसके बाद आपको रिलेशन बनवा कर देना होगा, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके अलावा बताया गया कि एक साल से ज़्यादा का डेट का जो डेट ऑफ बर्थ का वेरिएशन होता है वो नहीं चलेगा, यानी मार्कशीट में और जो रिलेशन सर्टिफिकेट है आपका उसके अंदर एक साल से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अग्निवीर जीडी और जो अग्निवीर जीडी स्पोर्ट्समैन, इनके लिए उम्र जो है वो 17.5 से 23 साल है, 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 एज कट ऑफ है यहाँ पर। उसके बाद शेड्यूल इस प्रकार से साथियों, 25 अगस्त 2022 को जो भी स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर जाना है। उनमें स्पोर्ट्स वालों में बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, सेलिंग है और हॉकी है, यही गेम के बच्चे यहाँ पर जाएं, बाकी गेम वाले बच्चे यहाँ पर नहीं जाना। इनकी ट्रायल 25 अगस्त को ली जाएंगी। उसके बाद बताया गया है कि जो भी ट्रायल में फिट होंगे वो उनका फिजिकल 29 तारीख को होगा। उसके बाद ठीक है साथियों, उसके बाद 29 अगस्त से जो इनिशियल डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी और उसके बाद फिजिकल होगा यहाँ पर। ये है रिपोर्ट करना है ट्रेनिंग बटालियन 3rd है, एमएस नागर गेट के ऊपर एमईजी सेंटर बेंगलोर में, सुबह 4:30 बजे 29 अगस्त 2022 को ये रैली शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचें। 30 अगस्त को आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और पीएमटी लिया जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट चेकिंग चलेगा, उसके बाद आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। और 15 अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे 15 अक्टूबर को। उसके बाद 16 अक्टूबर को आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर। जो भी लड़के मेडिकल में और ट्रायलों में फिट हो गए उन सभी का ही यहाँ पर रिटन टेस्ट होएगा। तो इस प्रकार से भर्ती कंडक्ट की जा रही है। यहाँ पर आपको पता ही है अग्निवीर जीडी और अग्निवीर जीडी स्पोर्ट्समैन सभी के लिए 17.5 से 23 साल और दसवीं पास में हर सब्जेक्ट में 33 तो नंबर होने चाहिए, उसके अलावा ओवरऑल 45% नंबर होने चाहिए, ये आपकी एजुकेशन शर्त है। उसके बाद रिलैक्सेशन आपको मिलते ही हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड में स्पोर्ट्समैन को भी मिलते हैं, हाइट वेट चेस्ट में छूट मिलती है रिलेशन के बच्चों को, जिनके पास भी रिलेशन सर्टिफिकेट है फादर वगैरह का, और गेम वाले बच्चों को भी जिनके पास कोई स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको बताई है कि यहाँ पर दौड़ होती है, दौड़ के दो ही ग्रुप हैं। उसके बाद आपकी जिग जैग पुलअप और 9 फीट डिच वगैरह होते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो किस किस के लिए कितनी हाइट वेट चेस्ट लागू है, ये रीजन वाइज आपके आपकी क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार से बोनस मार्क आपको क्या क्या मिलेंगे, एनसीसी के कितने नंबर मिलेंगे, फादर के रिलेशन के कितने मिलेंगे, ये भी इसमें सारा बता रखा है यहाँ पर इस पीडीएफ में। तो आप इस पीडीएफ को ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपको 29 नंबर पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं ये सभी बताया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी भाई भर्ती में जा रहे हैं बनवा लेना, इस पीडीएफ में देख लेना अच्छी तरीके से। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमसे फ़ोन करके पूछ लेना कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनता, कहाँ से बनेगा। और ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद जो भी आगे के रूल रेगुलेशन हैं, जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, कौन कौन से गेम का चलेगा, एनसीसी का कौन सा चलेगा, ये सारे एफिडेविट कौन कौन से लेकर जाने हैं, सभी इस पीडीएफ में बता रखे हैं। तो सारी जानकारी इस पीडीएफ में अवेलेबल है, 23 पेज की पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें,
इस पीडीएफ में लास्ट में एफिडेविट वगैरह भी हैं, कौन कौन से एफिडेविट लेकर जाने हैं। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर आए, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इस प्रकार की जानकारी हम आगे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद साथियों। आप भी किसी प्रकार की भर्ती की जानकारी या तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम, ये हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के तोसाम तहसील के अंदर ये अकेडमी है। आप हमें गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट्स अकेडमी लिखकर। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम के नाम से। फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी। इंस्टाग्राम पर भी हमारा ओम स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है। टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर 7056-3909। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।